नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फिलहाल मौजूद हूँ बिष्टुपुर स्थित वुमेंस कॉलेज में और आज है सरस्वती पूजा का दिन। आप सभी को बता दूं कि अगर आप जमशेदपुर के वासी हैं और आपने अब तक वुमेंस कॉलेज में सरस्वती पूजा की चर्चा नहीं सुनी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वुमेंस कॉलेज की सरस्वती पूजा सबसे चर्चित विषय माना जाता है आज का। लेकिन चूँकि कोविड काल है और ऐसे में कई प्रोटोकॉल्स के तहत यहाँ पर ना तो डीजे का आयोजन किया गया और ना ही अन्य साल की तरह इस वर्ष पूजा का आयोजन किया गया, ऐसे में माहौल काफ़ी फीका है। लेकिन लड़कियों की भीड़ काफ़ी है और इस पर आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी कॉलेज आए और उन्होंने छात्रों से बातचीत भी की। तो चलिए हम देखते हैं पूरा ये कार्यक्रम कैसा रहा और डीजे के बिना क्या माहौल है कॉलेज का, बातचीत करते हैं हम कुछ लड़कियों से। तो देखिए, जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। वुमेंस कॉलेज में काफ़ी भीड़ है लड़कियों की सरस्वती पूजा में, पूरे शहर में चर्चा होती है वुमेंस कॉलेज की सरस्वती पूजा में, लेकिन जो चर्चा का विषय रहता था यहाँ पे डीजे और लड़कियों का डांस, लेकिन इस बार डीजे भी नहीं है, तो फिर कैसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट तो ज़रूर कम हुई होगी? थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है डीजे नहीं है तो, लेकिन कोई बात नहीं, कोविड के टाइम में थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है तो कोई नहीं, चलेगा इस बार। कॉलेज में एक्साइटमेंट कैसे, क्योंकि सरस्वती पूजा में हर साल काफ़ी भीड़ होती थी और डीजे होता था यहाँ पर, लेकिन इस बार भीड़ तो है डीजे नहीं है। इन्जॉयमेंट कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है डीजे का, डीजे बजना चाहिए। कोविड की वजह से काफ़ी कम है भीड़, लेकिन इन्जॉयमेंट तो वैसी ही, किसी किसी का लास्ट ईयर है जो कि इस मूवमेंट को वो लोग मिस नहीं करना चाहती है, जिसके वजह से डीजे ना होने के बावजूद भी इतनी सारी लड़कियां आई हैं, तो यही है, एंजॉय करना है। जहाँ फ्रेंड है वहाँ इंजॉयमेंट है ही, साथ इंजॉयमेंट है ही। तो अच्छा माहौल देखा जाए तो सबको ही आया, लेकिन अगर डीजे नहीं है तो उससे थोड़ा सा हम लोगों का सरस्वती पूजा का इंजॉयमेंट फीका रह गया है। अदरवाइज सब कुछ ठीक है, पूजा वगैरह हुआ है, लेकिन हर साल की तरह कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से सबको सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। और देखते हैं, डीजे अभी तक तो बजा नहीं है शायद, डीजे ना बजे, क्योंकि हम लोग बेसिकली आते हैं इंजॉयमेंट के लिए, तो अभी तक डीजे का तो कुछ है नहीं। डीजे नहीं है तो फिर, अगर डीजे नहीं बजा तो फिर कैसा रहेगा फिर एक्चुअली? मगर डीजे नहीं भी रहा तो हम लोग है ना, हम लोग खुद ही में रील्स वीडियो होती है ना, तो उसमें उसमें ही डांस करके सब कुछ अपना पूरा कर लेंगे। डीजे वाला होता है वो तो रह जाएगा, डीजे जो रहता है उसका तो अलग ही रहता है। जैसे डीजे जिसका बंदोबस्त नहीं है, ये सब मना किया गया था, पूजा तो करना था हम लोग का, इसीलिए हम लोग पूजा का व्यवस्था किए, सारा व्यवस्था से कॉलेज के सारा कर्मचारी मिल के सब किया गया सरस्वती पूजा, और हॉस्टल का जितना स्टूडेंट है वही स्टूडेंट और कर्मचारी लोग के मिलके सरस्वती पूजा का व्यवस्था किया जा रहा है। ऐसे आम सालों में सरस्वती पूजा के अवसर पर कॉलेज में लड़कियों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती थी, जैसे इस बार कोरोना का गाइडलाइन देखते हुए हम लोग भीड़ और गैदरिंग नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए स्टूडेंट को मना किया गया आने के लिए। देख सकते हैं कॉलेज का माहौल क्या है और ये भीड़ आपको बता रही है कि किस तरह से लड़कियों के बीच सरस्वती पूजा को लेकर जो उत्साह है कोविड काल में भी कम नहीं हुआ है। हालांकि पिछले वर्ष भी कोविड काल था, बावजूद इसके कई गाइडलाइंस का पालन करते हुए डीजे का आयोजन किया गया था, चूँकि इस वर्ष डीजे का आयोजन नहीं किया गया है, डीजे नहीं लगा है और बेहद ही साधारण तरीके से पूजा हुई, ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी शिरकत की कार्यक्रम में और उन्होंने छात्रों से बातचीत की रूबरू हुए इस दौरान। और जब हमने छात्रों से बातचीत की तो उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि डीजे के कारण उत्साह तो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन चूंकि सरस्वती पूजा है और अपने उत्साह को, अपने एक्साइटमेंट को बनाए रखना है, इसीलिए वो किसी भी तरह से मस्ती को से नहीं चुकेंगी और यही कारण है कि आपको ये भीड़ ज़रूर एक्साइटेड करेगी। आपको बता दूँ कि सालों साल से वुमेंस कॉलेज में सरस्वती पूजा का आयोजन बेहद ही धूमधाम और शानदार तरीके से होता आया है और ऐसे में शहर भर की लड़कियों का की भीड़ जो है वो इस कॉलेज में इकट्ठा होती थी, चूँकि कोविड काल है और भीड़ पर मनाही है, बावजूद इसके भीड़ है और कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, बिना मास्क के गेट में एंट्री पर निषेध है
और साथ ही लड़कियों की भीड़ है जो पूरा एंजॉय कर रही है इस माहौल को। सरस्वती पूजा का यह खास कार्यक्रम और तमाम कई संस्थानों में इस तरह से सरस्वती माँ की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और साथ ही की जाती है इस तरह की एंजॉयमेंट जो इस वर्ष कम है लेकिन उत्साह बरकरार है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।